हेलो। गाड़ी तो बहुत बढ़िया रखे भाई। हाँ, कहाँ से आए निकले सर? कहाँ से? सिक्किम से। सिक्किम? सिक्किम? सिक्किम से लद्दाख जा रहा है। लद्दाख? हाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं सिलीगुड़ी में लद्दाख की तरफ जा रहा हूँ आज। अभी यहाँ पर बहुत बारिश हो रहा है, तबीयत भी अपना ठीक नहीं है, डायरिया और वॉमिटिंग हो रहा है अभी, तो दवाई ले लिया है। पैकअप हो गया पूरा बाइक का और भाई लोग भी रेडी हो रहा है। तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट बाइक की सेटअप पर। निकल गए इधर से और बारिश के वजह से माइक सेट नहीं किया हूँ, बारिश के वजह से तो साउंड क्वालिटी थोड़ा कम आएगा। थोड़ा अभी थोड़ा आगे जाके जब बारिश रुकेगा तब फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। और अभी अरारिया पहुँचने वाला है। यहाँ से अरारिया 5 किलोमीटर फ्यूल अप करवाना था तो फ्यूल अप करवा लिया। 5 किलोमीटर है अरारिया और थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ये रहा अपना बाइक, फ्लैग का पूरा हालत ख़राब। ये रहा बैक रेस्ट, टाइम 8:35। और अभी बारिश रुक गया है और मौसम भी बढ़िया है अभी, लेकिन अभी माइक सेटिंग नहीं किया है मैंने। अभी सुबह का 9 बज गया है और हम लोग अभी भी लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर है। एग्जैक्ट डिस्टेंस है यहाँ से 649। और अभी इसका बाइक का फ्यूल कम हो गया तो फ्यूल अप करवा रहा है। और एक बाइकर उधर रोड पे, मेन रोड पे वेट कर रहा है हम लोगों का, तो यहाँ से फ्यूल अप करा के फिर अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। और अभी गोप्रो का माइक नहीं लगाया हूँ मैं क्योंकि बारिश हो रहा है। अभी के लिए उतना ही था अपडेट, तो मिलते हैं आगे। ये भनौँ भनौँ हुन्छ ब्लग थाकिरहेको बेला। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गया और भाई लोग पूरा भीग गया है। अभी भी रेनफॉल हो रहा है बाहर। और अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। जगह का नाम था, ये फैमिली रेस्टोरेंट है। पिछले बार भी मैं इसी रेस्टोरेंट पे रुका था खाने के लिए और इस बार भी यहीं पर रुक रहा हूँ और यहाँ से नाश्ता करके डायरेक्ट लखनऊ। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये रहा प्लेन रोटी, बटर रोटी, प्लेन दाल और दाल मखनी, और ये सलाद। और ये दो राइडर लोग है सिक्किम से, मैं लेके आया हूँ इसको। अभी टाइम हुआ 11:15। हाँ,
ब्रेकफास्ट अभी कंप्लीट हो गया तो अभी निकलने वाला है और इस साइड में थोड़ा बाइक का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। क्लासिक 350 टाइम 400 स्पीड रेस टाइम 400 411। अभी निकलते हैं। चटिया पहुंच गए और टी ब्रेक के लिए यहां पर रुके और यहां से लखनऊ के लिए अभी हमें 400 किलोमीटर चलना है, 420 किलोमीटर। तो चाय के बाद डायरेक्टली रास्ते में मिलते हैं। चाय कंप्लीट हो गया, सब निकलने का टाइम हो गया। अभी 420 जैसा है डिस्टेंस कवर करने के लिए अयोध्या तक, लखनऊ तक। और टाइम अभी हुआ है 1:47। तो अभी भी 400 किलोमीटर जैसा कवर करना है तो डायरेक्ट रास्ते पे मिलते हैं भाइयों। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खुदा करना है 380 किलोमीटर लखनऊ के लिए। तो अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए चेन लूप करने के लिए। चेन लूप कर रहा है उसके बाद फिर 380 किलोमीटर हिट करना है भाई। हाँ तो अभी दिन थोड़ा अच्छा हो गया, बारिश बंद हो गया तो माइक एडाप्टर मैंने लगा लिया है। तो अभी निकलते हैं, अभी हम हैं मोतिहारा में और यहाँ से 380 किलोमीटर। ये आशीष भाई लूप कर रहा है। ये अभी राजपूत, ये मेरे साथ मुस्तांग में भी मेरे पीछे करके आया था और इधर भी लद्दाख में मेरा पीछा कर रहा है ये। तभी निकलते अभी। ये है आशीष भाई विथ स्क्रैम्बलर 411 और ये है अभय सिंह, इसके पास है स्पीड 400 और मेरा है क्लासिक 350। मौसम काफ़ी बढ़िया है अभी, लेकिन ये फोर लेन रास्ते में बहुत ही कॉशस भी चलाना पड़ता है क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। कुत्ता भी आ सकता है, बकरी भी आ सकता है, आदमी भी आएगा, साइकिल लेके आएगा, कोई बाइक लेके ऐसे यू टर्न मार देता है। तो हमेशा कॉशस भी चलाना है, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करना है। लेकिन अभी हम लोगों का स्पीड 100 पे मेंटेन किया है, 100 का स्पीड पे क्रूज कर रहा है लड़का लोग। तो ऐसे क्रूजिंग मोड में जाते रहेंगे, आगे कहाँ तक होगा। आज का प्लानिंग लखनऊ, देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को लखनऊ तक पहुंचने में। ये अपना आशीष भाई, जब बारिश हो रहा था तो बहुत स्लो चला रहा था, मैक्सिमम 80 की स्पीड में जा रहा था, अभी देखो 100 की स्पीड में भाग रहा है। पानी से डरता है ये आदमी, पानी में बहुत स्लो चलाता है और अभी पूरा भगा रहा है ये।
अच्छा है और थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है, बूंदे गिर रहा है, ड्रॉपलेट्स। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूज रहा तो फिर मीडिया मोड को निकालना पड़ेगा। ये अभी पता नहीं क्या इशारा कर रहा है, बार बार समझ में नहीं आ रहा है। अपना ही साइन लैंग्वेज यूज करता है, दिमाग खराब कर दिया, दिमाग खराब। इशारा जो कर रहा था ये फ्यूल अप करवाने के लिए इशारा कर रहा था। अभी फ्यूल अप करके आगे मिलते हैं। बैटरी सिर्फ 36% ही है अभी और मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं है, तो आगे मिलते हैं। अभी गन्ने का गाड़ी को हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है इधर। गन्ने का जूस पियेंगे, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे आज का दौड़ने फिर से। सिक्किम से, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम से, औरतपुर जहाँ इसी बाइक से के लिए। हाँ हाँ, ये टूर करते हैं ना, सलूट है। लद्दाख जा रहा है, लद्दाख। अयोध्या कैसे लगा? आप लोग हाँ, हेलो ब्रो, अयोध्या कैसे लगा? बहुत मेहनत पड़ती है। अयोध्या अच्छा है, पहले भी आ चुका हूँ मैं इधर। अच्छा लगा? अच्छा है। तो अच्छा, दो महीनों पहले आप लोग आए थे ग्रुप में? नहीं नहीं नहीं, तीन ही लोग हैं। हाँ अगड़ी हेर ब्रो, चैनल का नाम क्या? क्लासिक वंडरर्स, क्लासिक वंडरर्स। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी मुलाकात होगी। अभी टाइम हो गया 8:30 बोलते हैं। हम लोग पहुंच गए अयोध्या और यहाँ पर होटल देखना है, रूम देख के अभी बैठेंगे, तो आपसे डायरेक्ट रूम पे मिलेंगे। अब देखते हैं रूम कितने का मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली होटल पे मिलते हैं। रिकॉर्ड तेरे कुदाको करेक्ट 8900 का रूम है, एसी रूम है, ट्रिपल बेड। अपन यहाँ सोएगा, दोस्त इधर लोग दोनों इधर सोएगा। और आज का इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।